नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। असल नसरुल्लागंज पुलिस ने क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एवं गरीब लोगों को निशाना बनाकर फर्जी तरीके से बेचने वाले गिरोह के मुख्य सरगना बिहार निवासी आरोपी नवीन को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के उपकरण दर्जनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सहित बिहार से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी नवीन कुमार सिंह पिता संजीव कुमार सिंह उम्र 19 साल निवासी भिट्टी बाजार जिला सारण को बिहार से तकनीकी सहायता एवं अथक प्रयासों से गिरफ्तार किया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का मुख्य सरगना मासूम सा दिखने वाला 19 साल का लड़का, जिसने कम समय में अमीर बनने एवं अपने महंगे शौक पूरे करने के लालच में इस गोरख धंधे को शुरू किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी नवीन कुमार के पिताजी ऑनलाइन दुकान पर काम करते थे और उसे देख कर उसे बचपन से ही साइबर संबंधित चीजों में रुचि थी। घर के हालात सही न होने व कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने यूट्यूब के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अभ्यास किया। आज से करीब 6 माह पहले आरोपी को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन का काम करने वाले जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। तब आरोपी ने अपने मोबाइल पर गूगल से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। काफी प्रयास कर गूगल से सर्च करने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की विधि प्राप्त की। आरोपी नवीन कुमार ने अपना स्वयं की फर्जी वेबसाइट बनाई। उक्त वेबसाइट के जरिए पूरे प्रदेश में फैले अपने दलालों के द्वारा शासकीय अस्पतालों की फर्जी सील एवं हस्ताक्षर से जन्म प्रमाण पत्र बनाता था। इस प्रकार आरोपी नवीन कुमार द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिंक द्वारा लगभग 53,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है एवं तैयार की गई फर्जी लिंक को बंद कराने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे कि उस लिंक के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार न किए जा सके। नसरुल्लागंज से डीडी टुडे के लिए नितिन मालपानी की रिपोर्ट। सर, ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र क्या पूरा मामला? ये थाना नसरुल्लागंज की चौकी लाटकुई का मामला था, जहाँ पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का एक प्रकरण सामने आया था, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रारंभिक जब पूछताछ की गई और जो आरोपी था, जो संचालक था वहाँ का, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया था कि एक लिंक आई थी, लिंक के फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, आगे पूछताछ की, तो उसने आगे नाम बताया कि मुझे बालाघाट का एक लड़का लिंक फॉरवर्ड करता था। फिर बालाघाट के लड़के को हमने डाउनलोड किया, तो जिसने बताया कि कोई यूपी के दो लड़के थे जिनके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिंक आ चुके, जिनको पुलिस ने राउंड अप किया। फिर पूछताछ की, तो जिस ग्रुप का जो सरगना था वो नवीन नाम का लड़का था, जिसको बिहार से पुलिस ने राउंड अप किया था, वो जिसने बताया कि वो अपने लिंक उसने खुद ही बनाई थी और जिसके माध्यम से वो फर्जी दस्तावेज बनाता था। कुल कितने आरोपी सर कहाँ कहाँ थे वर्तमान में? अभी तक इसमें कुल 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो इनका जो सरगना था नवीन, जिसको अभी PR पे लिया गया था, उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें 5 लैपटॉप, कुछ फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और प्रिंटर भी हमने बरामद की है। सर, कैसे पता लगा, कब से चल रहा था इस प्रकार से गोरख धंधा? या अभी उस लड़के से पूछताछ की जा रही है, परंतु जब उसने बताया था तो बता रहे पिछले 6 महीने से वह इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था।